हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे, जो कि ओनली यूजफुल है। ओनली यूजफुल क्योंकि यहाँ पे मिलती है वो हर इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी एरिया से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, सब चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी और वो भी सारी की सारी यूजफुल होंगी। इसलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ओनली यूजफुल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता, इससे मेरे जो आगे आने वाले वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब प्रोफाइल पेज पे आता रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोज आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है टेकटॉक सीरीज पे, और टेकटॉक सीरीज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल हैंग करने पर हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, आज मैक्सिमम लोगों के पास स्मार्टफोन डिवाइसेज है, और स्मार्टफोन डिवाइस में कॉमन फॉल्ट होता है हैंगिंग का प्रॉब्लम, जो कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो आइए जानते हैं इनके कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। इसका स्वाभाविक और बेसिक कारण है कि आपके फोन की जो रैम मेमोरी है वो कम है, या स्पेस कम उसमें बचा है, या भर चुकी है, उसकी वजह से आपका फोन हैंग कर रहा है। अब ये हैंगिंग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें सर्विस सेंटर ले जाने की बजाय खुद से ट्राई करना चाहिए। सर्विस सेंटर तो लास्ट ऑप्शन है, 90% चांसेस है कि आपकी फॉल्ट, आपके जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाइड हो जाएंगे, इन अगर जो पॉइंट्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं। तो ये पॉइंट्स क्या क्या है आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है रिस्टार्ट करना फोन को, स्मार्टफोन को, लैपटॉप, पीसी या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, उसे रिस्टार्ट करने से जो मैक्सिमम फॉल्ट है रेक्टिफाई हो जाते हैं। ऑफ करिए फोन को, थोड़ी देर छोड़िए, एक दो मिनट, उसके बाद ऑन करिए, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आपने अननोन सोर्सेज से ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसमें कि वायरस और बग हो सकते हैं, जो कि फोन की फंक्शनलिटीज पर इफेक्ट डालते हैं। तो आप उन एप्स को ट्रेस आउट करके उसे अनइंस्टॉल करिए, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट जरूर होगा। तीसरा है, आपने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है जो कि खराब क्वालिटी का है या पुराना हो चुका है, आप उसे चेंज करिए। चौथा पॉइंट है, स्क्रीन गंदा हो चुका है, ऑयल से या पानी के हाथ से उसने आपने टच कर रखा है स्क्रीन को, जिससे कि टच स्क्रीन फंक्शनलिटीज है वो इफेक्ट हो चुकी है। तो आप उसे सूखा कपड़ा लें, उससे वाइप करें प्रॉपरली, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने का चांसेस ज्यादा है। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है आपका फैक्ट्री रिसेट। जी हाँ दोस्तों, अगर ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि आप फैक्ट्री रिसेट के सेटिंग्स में जाके फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन पे जाते हैं, उसे क्लिक करके रिसेट करते हैं अपने फोन को, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से दूर हो जाएंगी। अगर आपके मेमोरी का स्पेस है, काफी बचा हुआ है, तो हैंगिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो फैक्ट्री रिसेट आप जरूर करें सर्विस सेंटर पे ले जाने से पहले। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी सारी डाटाज जा सकती हैं, जा सकती क्या है, चली ही जाएंगी, तो उन्हें आप बैकअप उनका कर लीजिए, उसे रिस्टोर कर लीजिए किसी अदर हार्ड डिवाइस में, तो आपके जो डेटाज हैं सुरक्षित रहेंगे हार्ड डिस्क वगैरह में, उन्हें रिस्टोर कर रख लीजिए। तो ये पांच पॉइंट्स आप जरूर अपनाएं सर्विस सेंटर पे ले जाने से पहले, और फिर भी हैंगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, हालांकि 90% चांसेस हैं कि दूर हो जाएंगे, अगर फिर भी आ रहा है तो आप तभी सर्विस सेंटर पे ले जाएं। कैसा लगा ये वीडियो आज का? अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब लगा हो तो डिसलाइक जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में वीडियोस अच्छे अच्छे दिखाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।